हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस थ्योरी ऑफ एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स सो एन इंडिकेटर इज अ सबस्टेंस व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट इन अ टाइट्रेशन इंडिकेटर के थ्रू हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट डिटरमाइन करते हैं एसिड वो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं

just like a uh, indicator is given here uh, just a methyl orange indicator name of the indicator is a methyl orange and the pH range of the methyl orange indicator is a, between the 3 to 4.5 means it will give the color in a different different medium at that just like a, in a color in an acidic medium it will give the red color color in a basic medium it will give the orange color methyl red indicator. 4.2 The pH range is a 4.2 to the 6.3. It gives the in acidic medium, it will give the red color, in a, a basic medium, it will give the yellow color. So, different, different, these are the different, different acid waste indicator. So, one by one, we will discuss these all the indicators. Just like important is a phenol last is a phenophthalene indicator, it's a very important the range of the pH range is 8.3.

It depends on uh, two theories. One is the Ostwald theory, and second is the quinonoidal theory. So two theories are very important. Mm, the uh, weak acid and weak base indicator, which are working in an acid based titration, behind these indicators, these two theories are work actually. So first is the Ostwald theory. According Ostwald theory, according to this theory.

The formation of color in different medium depends upon the dissociative and undissociative state of indicator. So it's a very important line. ये जो आपके indicators हैं, they possess different. ये possess करते हैं, रखते हैं अलग-अलग color acidic medium में और basic medium में. इसीलिए इससे पहले जो table दिया था मैंने उसमें range बताया था मैंने pH का. अब क्या होता है? मैंने बोला ये acidic medium में एक color अलग का different color होता है, इनका basic medium में different color होता है. मतलब ये होता है इसका कि एक मीडियम में अगर ये डिसोसिएटिव फॉर्म में है जस्ट लाइक एसिडिक मीडियम मीडियम में 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 अगर ये तो में ये डिसोसिएटिव फॉर्म फॉर्म शो कर रहे हैं तो बेसिक अनडिसोसिएटिव होंगे या अनडिसोसिएट फॉर्म में होंगे या हम ये बोले कि यदि एसिड मीडियम में अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है तो बेसिक मीडियम में डिसोसिएटेड फॉर्म में होंगे तो जब भी ये डिसोसिएटिव फॉर्म में होंगे तो ये हो सकता है कलरलेस हो या डिफरेंट कलर हो या अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है तो ये कलरलेस भी हो सकते हैं या some different color will show here okay so just we will consider the simple example one is a i indicator its a HIN. It means the indicator which are having a one proton attached from the one proton so considering a one example is a i indicator h indicator is here so indicator which is the weak acid just like i assume you know that it is a just assume it is a one indicator which are having the proton इसके पास एक इंडिकेटर है जिसके पास एक प्रोटॉन है ये वाला एच इंडिकेटर इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कंटेनिंग इंडिकेटर सो वी कैन से इट इज अ वीक बिकॉज आपको पता है जो इंडिकेटर होते हैं वो वीक एसिडिक या वीक बेसिक करेक्टर के होते हैं सो जस्ट यज्यूम इट इज अ इंडिकेटर विच आर हैविंग द वीक एसिडिक करेक्टर ओके इसके ये वीक एसिडिक करेक्टर का इंडिकेटर है ठीक है तो uh, क्या बोले इसका डिसोसिएशन ऑफ दिस इंडिकेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन ये आपका एच इंडिकेटर है इसका डिसोसिएटर हुआ डिसोसिएशन होने के बाद ये प्रोटॉन का फॉर्मेशन इट इज अ प्रोटॉन एंड इट इज अ इंडिकेटर ओके हैविंग द माइनस चार्ज ऑब्वियसली प्रोटॉन के ऊपर प्लस तो इंडिकेटर के ऊपर माइनस चार्ज होगा तो इंडिकेटर माइनस ऐसा समझ लीजिए कैसा है ठीक है सो व्हेन दिस इंडिकेटर पीछे आयोनाइज किया था इंडिकेटर को सेम इक्वेशन था यही वाला इक्वेशन जो मैंने यहां दिखा रखा है एच इंडिकेटर आयोनाइज हुआ था तो एच प्लस और इंडिकेटर माइनस ऐसा मैंने ऊपर लगाया था माइनस सो जस्ट एज्यूम करिए कि यह जो आपका वीक एसिड इंडिकेटर है इसको हम लोगों ने एक एसिडिक सोल्यूशन में लिया यू नो दोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन विच आर हैविंग द मच मोर प्रोट्रॉन एसिड सर जस्ट लाइकोरिकस्टोलिकेटर माइनस जनरेट करता है ऐसे ही सोल्यूशन इट विल ऑल्सो जनरेट द एच प्लस आय एंड माइनस ओके अगर आपने एस लिया होता तो एच प्लस और सी माइनस हो जाता तो जैसे अब मैं यहाँ आपको बताना यह चाहता हूं कि डिसोसिएशन इज अ इंडिकेटर वीक एसिडिक इंडिकेटर इज हियर इज अ वेरी इट इज अ लो इट अ इज्लेजिबल हियर बाय ड्यू टू द कॉमन आइन इफेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने ये एक सर्कल बनाया इसका मतलब ये है कि बोथ आयन आर कॉमन इन पर्टिकुलरली वेन द इंडिकेटर आर आयोनाइज इन टू द एच प्लस आय इंडिकेटर माइनस आयन

अब यहां पे मैं आपको बताऊं कि जो कॉमन आइन इफेक्ट होता है इसमें जो कॉमन आइन इफेक्ट में हमको ये याद रखना है कि जो वीक एसिडिक है जस्ट लाइक like आपका इंडिकेटर है इसमें वीक एसिड है तो यदि में में एसिडिक हम इसको लेते हैं तो ड्यू टू द रिफरेंस ड्यू टू द प्रिफरेंस ऑफ कॉमन आयन विच विल बी जनरली फॉर्मड विच विल बी जनरली जनरेटेड बाई द स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोलूशन द आयोनाइजेशन ऑफ इंडिकेटर विल बी सप्रेस्ड इज फॉर्म ये कुछ ऐसा ही हम समझ सकते हैं कॉमन आयन को जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपके फादर हैं एंड आप हैं। आपके घर में आपके छोटे भाई बहन हैं। आपके फादर एक बड़ा चॉकलेट का डिब्बा लेके आते हैं और आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए छोटे छोटे चॉकलेट लेके जाते हैं अब क्या होता है कि जब आप उनको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तभी आपके फादर आ जाते हैं और उनको बड़े बड़े डेरी मिल्क या सम बिग चॉकलेट्स आर गिविंग ऑफ आप द आपके छोटे भाई बहन को देते हैं तो क्या होगा ऑब्वियसली वो आपका बड़ा चॉकलेट आपके फादर के द्वारा दिया गया बिग चॉकलेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे ना कि आपके छोटे छोटे जो टॉफी लेके आए हुए हैं आप या स्मॉल थिंग्स यू आर गिविंग उस उसमें उसका अट्रैक्शन कम होगा सो वेन यू आर नॉट गिविंग अगर आपका चॉकलेट वो नहीं ले रहे हैं

आयोनाइजेशन फॉर्म सो आयोनाइजेशन ई कलर को शो नहीं करेगा ये इट विल सो द कलर ड्यू टू दिएशन ऑफ दिस इंडिकेटर फॉर्म ऑफ दिस इंडिकेटर ऑन अनदर हैंड्स, दूसरी तरफ यदि हम देखें यदि मान लीजिए कि हम इसी इंडिकेटर को बिकॉज इट इज असरिक इंडिकेटर अगर हम इसको क्या करते हैं बेसिक मीडियम में एड करते हैं बेसिक मीडिया मतलब एमओ एच ईज बेसिक ये एक एम सिंबॉलिक पर्टिकुलरली एग्जाम्पल है आई विल ऑल्सो गिवर एग्जाम्पल लाइकिन का एग्जाम्पल दूंगा मिथाइल रेट का एग्जाम्पल दूंगा सो इट इज ओ एच आयोनाइज होता है तो ओ एच जनरेट करता है और एम प्लस जनरेट करता है क्लियर सो इंडिकेटर इज ऑल्सो क्रिएटिंग एच प्लस आयन इज गिविंग एंड जो आपका बेसिक मीडियम है बेसिक मीडियम से हाइड्रोक्सी जनरेट हो रहा है अब आपको पता है

यहाँ पे वो कॉमन आयन का फंडा नहीं है कॉमन आयन की कंडीशन में वो सप्रेस हो रहा था वो अनडिसोसिएटिव फॉर्म में जनरेट जनरेट कर रहा था फॉर्म कर रहा था वो अनडिसोसिएटिव फॉर्म में था बट हियर द इंडिकेटर विल बी डिसोसिएट फास्टली इट विल गोज इन द रिएक्शन विल बी मूव इन राइट राइट हैंड साइड डायरेक्शन सो इट विल कन्वर्टेड इन टू द डिसोसिएटिव फॉर्म सो फाइनली द बेसिक मीडिया एंड विल प्रोड्यूस अ कलर उंड इंडिकेटर होगा वो अपने प्रोड्यूस करेगा क्लियर आई थिंक द एव थ्यूरी ऑफ द एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी इजिल अंडरस्टैंड बाई टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड इंडिकेटर वीक एसिड इंडिकेटर मैंने बनाया फिनोपथली इंडिकेटर लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे और वीक बेसिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के थ्रू भी हम लोग एक हम लोगों ने वीक एसिड इंडिकेटर लेना है एक वीक बेस इंडिकेटर लेना है एंड वी विल डिस्कस द ओवरऑल एक्चुअली मैकेनिज्म हियर सो एंडस दिया दियान को मैंने रिप्रेजेंट करा है एच पी एच ये फिनोक्न है ठीक है अब ये क्या acid है वीक एसिड है सो इसलिए हाइड्रोजन होना जरूरी है ये आयोनाइज होता है एच प्लस आयन जनरेट करेगा और फिनोक्न इंडिकेटर पी एच माइनस के फॉर्म में इंडिकेटर आर प्रेजेंटेड टू द माइनस फॉर्म So, when is added, same discussion करें जो पीछे हम लोगों ने आयन आपको पता है जो आपका एसिडिक मीडियम है वो भी एच प्लस जनरेट करेगा जो आपका फिनोक्न है वो वीक एसिड है वो भी एच प्लस आइन जनरेट कर रहा है दोनों एच प्लस आइन जनरेट कर रहे हैं अब ये दोनों एच प्लस तो जनरेट कर रहे हैं लेकिन ये आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ एसिड तो इसका रेट ऑफ डिसोसिएशन वेरी फास्ट इट विल जनरेट वेरी फास्टली इट इट विल विल बी गिव्स इन अ सॉल्यूशन H+ आयन तो ये क्या होगा द H+ आयन व्हिच विल बी फॉर्मड बाय द फिनोक्न इंडिकेटर इट विल बी जनरली रिमेंस इन अ रिमेन्स ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा और फिर से ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म जनरेट करेगा सॉल्यूशन में क्योंकि ये वीक कैरेक्टरिस्टिक्स है जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हम लेंगे फिनोक्न को तो इसका आयोनाइजेशन बहुत ही निग्लिजिबल स्लो हो जाएगा मींस इट विल बी प्रेजेंट इन प्रन अंडिसोसिएटेड फॉर्म सो वेरी सिंपल एंड प्रॉपर लाइन आर रिटेन यर व्हेन फिनोक्न इज एडेड इन एसिडिक मीडियम डिसोसिएशन इज सप्रेस्ड बाय द एच प्लस आय ऑफ एन एसिड एंड द फिन रिमेन्स इनडिसोसिएटेड फॉर्म एंड गिवस नो कलर सो so, फिनोक्न जब अगर अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है तो वो कलर नहीं जनरेट करता है ये याद रखना है एसिडिक मीडिया लिया हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड है एसिड में ड्यू टू द कॉमन एन इन इफेक्ट इज अक् प्रजेंट रिमेन्स अनडिसोसिएटेड फॉर्म सो अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ द फिनॉल विल नॉट सोज द कलर मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो कलरलेस होगा एसिडिक मीडियम में

अब आपको पता है एच प्लस और ओ एच माइनस आयन एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तुरंत वाटर बना लेंगे सो द आयोनाइजेशन ऑफ दिन इन डायरेक्शन आयोनाइज बिकॉज द एच प्लस आयन आर यूटिलाइज इन रिएक्शन इन न्यूट्रलाइजेशन एंड इट विल बी जनरली अटैच फ्रॉम इट विल बी बॉन्डेड फ्रॉम दनवर्टेड टू द वॉटर मॉल्टी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन okay, so हो रहा है पे, का formation हो रहा है, सो so फाइनली जो फिनोक्न है इधर होगा, इस ionized होगा, इसमें उसका रेट ऑफ आयोनाइजेशन बहुत फास्ट हो जाएगा सो फाइनली डिसोसिएटेड फॉर्म जो है इंडिकेटर का सोल्यूशन अदर साइड वेन द फिनोथलीन इज एडेड टू द बेसिक मीडियम

फिनोफ्थेलिन जो आपका हम लोगों ने ले रखा है कोनिकल फ्लास्क के अंदर पहले ये, ये रेड कलर या पिंक कलर जनरेट करता है किसमें जब पी एच हो जाता है इसका टेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है एसिक एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थेलिन जो है ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट कलरलेस होता है अल्कालाइन मीडियम या बेसिक मीडियम में पीएच इंक्रीज होने के कारण ये पिंक कलर जनरेट करता है ठीक है टर लेते हैं हम लोग यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज आप देख रहे हैं सो मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक बेस अभी तक हम लोगों ने वीक एसिड लिया था वीक बेस इत तो मिथाइल ऑरेंज के साथ बहुत अच्छा है मिथाइल ऑरेंज विच इज अ वीक बेस इंडिकेटर एंड गिव द येलो कलर इन अ बेसिक मीडियम ये याद करना पड़ेगा और सच समझ जाएंगे आप अभी बोल, बोलूंगा मैं दो चार बार रिएक्शन तो अभी क्लियर हो जाएगा इट विल गिव द येलो कलर इन अ बेसिक मीडियम एंड रेड कलर इन एसिडिक मीडियम और वी कैन से दैट इट गिव येलो कलर इन अनोसिएट फॉर्म जैसे हम लोग फिनॉपथलिन में क्या था अनडिसोसिएटेड फॉर्म में वो कलर रेस था इधर जो है येलो कलर देता है undissociated form. Undissociated form. Means, आपका जो मिथाइल है मिथाइल ऑरेंज ये आयोनाइज नहीं होगा तो ये येलो कलर प्रोड्यूस करेगा बट इन डिसोसिएटेड फॉर्म इट विल जनरेट अ रेड कलर ओके तो मिथाइल बहुत सिंपल सा पहले मैंने को डिस्कस कर ले मिथाइल ऑरेंज येलो कलर है अगर ये आयोनाइज नहीं होता है ऐसे ही रहता है ये सोल्यूशन में तो येलो कलर जनरेट करेगा अगर ये आयोनाइज हो जाता है अगर ये सोल्यूशन में आयोनाइज हो जाता है तो ये रेड कलर जनरेट करता है अगर ये इस आयोनिक फॉर्म में है तो रेड कलर अगर ये आयोनिक फॉर्म में नहीं है तो ये जनरेट करेगा येलो कलर क्लियर हो गया आई थिंक वेन मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू द एसिडिक मीडियम फिर से स्टार्ट करता हूं मिथाइल ऑरेंज को अपने एसिडिक मीडियम में एड करा एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडिया मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये नीचे लिखा हुआ है मैंने. इंडिकेटर कम्बाइंड हाइड्रोजन आयन विच आर प्रोड्यूस्ड एसिडिक मीडियम जो आपका एच प्लस आयन जो acidic, ये एसिड है, है इसको किया एच प्लस माइनस मिथाइल ऑरेंज ये इंडिकेटर था ये इंडिकेटर हो गया मिथाइल आयन में और ओ OH एच में यहां मिथाइल को मैंने रेड इसलिए बनाया अगर ये आयन बनाया सोल्यूशन में तो रेड कलर देगा तो आपको एक बात बता दू जैसे ये ऊपर से ओ OH एच आता है नीचे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन जनरेट होता है देन इमीडिएटली इट विल बी फॉर्म मतलब इसमें मिथाइल ऑरेंज का आयोनाइजेशन होगा जो एसिडिक सोलूशन होगा उसमें आप ये वीक बेस ले रहे हैं तो इसका आयोनाइजेशन फास्ट होगा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी Reaction are moving in a forward direction means methyl ion will form in a solution, means it is a dissociated form of the methyl orange indicator. So, methyl orange indicator will show the dissociated form, means it will give the red color in a solution. Clear? Second condition is here when the methyl orange is added to the basic medium. डिसोसिएशन इज सप्रेस्ड बाई द कॉमन आइन इफेक्ट फिर वही वाला फंडा आ गया अगर हम लोग इसको बेसिक मीडियम में ले ले तो बेसिक मीडियम में क्या है आपका जो इंडिकेटर है, भी वीक बेस है और आपका जो सोलूशन है वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो दोनों ही जनरेट क्या कर रहे हैं है, ये देखिए ओ एच आई मिथाइल ऑरेंज भी यहाँ पे ओ एच आईन दे रहा है और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ये भी ओ एच आई दे रहा है सॉरी यहाँ माइनस होना चाहिए ओ एच माइनस आईन दे रहा है ठीक है तो ये दोनों माइनस दे रहा है और कॉम करने वाला है मोर कॉन्फिडेंटलीबल टू आयोनाइज तो कंपेरेटिवली जो एन एच है इट विल फास्टली गिवल्यूशन और जो मिथाइल ऑरेंज है बिकॉज इट इज अक बेसिक करेक्टर

ये देखिए, ये जब पीएच इसका कैसा होता है एसिडिक मीडियम में पीएच कम होता है तो ये रेड कलर जनरेट करता है जब इसका पीएच सेवन होता है न्यूट्रल होता है भाई अनडिसोसिएटेड है पीएच एच सेवन होगा न्यूट्रल फॉर्म में ये देगा येलो कलर सो दीज आर एक्चुअली फिनोमिना बेसिक थिंग्स बिहाइंडलीन एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर क्स्ट सेकेंड थ्यूरी इज द क्यूनोनाइडल थ्यूरी सो क्यूनोनाइडल फॉर्म क्यूनोनाइडल फॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर एंड एग्जिस्ट इन ट्यूटोमेरिक फॉर्म इन अ डिफरेंट मीडियम ओके टू टूटो ट्यूटोमेरिक फॉर्म होते हैं एक दूसरे के वन फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं जैसा फॉर्म उसको एंड एनदर फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं क्यूनोनाइडल फॉर्म न्यूक्लियस के जैसा जो फॉर्म होता है जैसे आप देखिए ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है सिंपल सा इसमें बेंजीन है डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड है देखिए इसमें एक बॉन्ड है यहां पे डबल बॉन्ड यहां पे भी एक डबल बॉन्ड है इधर भी अल्टरनेट डबल आर देयर ओके सो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका ये जो हमारा हो गया ये हमारा बेंजिनोइडर फॉर्म हो गया ओके क्लियर सो ये आप देख रहे हैं इधर ये बेंजियोनाइट बेंजीन लाइक है बेंजीन के जैसा दिखाई दे रहा है अब यदि डबल बॉन्ड को मैं शिफ्ट करूं जस्ट अग वेरी सिंपल इट इज यहाँ पे ये देखिए बॉन्ड में शिफ्ट करता हूं थोड़ा सा आपको समझ में आएगा इट इज गोइंग इन अ वट इज दिस एक्चुअली इट इट इज शिफ्टेड हियर इन अ डबल बॉन्ड फॉर्म ओके सो इट इज अ बेन्जियोनाइडल फॉर्म दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर ओके

ये बेंजोनाइडल फॉर्म देखिए आप बेंजियो फॉर्म है बेंजीन है, है यहां अब क्या होता है बहुत सिंपल सा example के थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं जस्ट लाइक आई एम शिफ्टिंग द बॉन्ड्स बॉन्ड्स को शिफ्ट करता हूं मैं ये देखिए आप ये जो है यहां से ये बॉन्ड हट गया ये वाला बॉन्ड इधर से इलिमिनेट हुआ ये सी डबल ओ बॉन्ड ये सी डबल ओ हो गया पूरा का पूरा सी डबल ओ देन आई एम सोइंग सोइंग द क्वीन ओ नाइडल फॉर्मर सोन्ड एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ यहाँ पे ये यह बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ एंड द डबल बॉन्ड इज शिफ्टिंग इन अदर पोजिशन जस्ट लाइक अ दिस इज शिफ्टेड पोजिशन ये OH बाहर की तरफ है यहां पर आया ओके okay? तो ये वाला जो बॉन्ड होता, होता है कहाफ्ट हो जाता है ये इस पोजिशन पे सो ऑलरेडी थ्री बॉन्ड्स आ रहे यहां पे बॉन्ड है ये वाला ये जो मैंने शिफ्ट करा बॉन्ड यहां पे है और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है सो so, ये जो फॉर्म्स है ये फर्स्ट वाला बेन्जोनोइडल फॉर्म है बेंजोनोइडल फॉर्म में ये जो है आपका कलरलेस होता है और ये जो है दूसरा वाला क्विनोनोइडल फॉर्म है क्विनोन क्विनोन ये quinone में डबल इट विल सो द डिफरेंट so, uh, ये जो है एसिडिक मीडियम में होता है कलरलेस और बेसिक मीडियम में वही बेसिक um, मीडियम में इट विल गिव द पिंक कलर सो इट्स एग्जाम्पल ऑफ दिलीन इज हियर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की बात करें आपको पता है मिथाइल तो सिमिलरली चेंज ऑफ कलर ऑफ मिथाइलोनॉइड फॉर्म एंड गिव रेड कलर ओके इन एन एसिडिक मीडियम ऑरेंज द द्वीनोनॉइडल फॉर्म एसिडिक मीडियम में और एसिडिक uh, मीडियम में रेड कलर जनरेट करता है आपको पता है एसिडिक मीडियम में इट्स कैपेबल टूनाइज बट हियर देखिए आप क्विनोनॉइडल फॉर्म है ये इसका, quinonoidal form is here, acidic medium में, तो ये क्या शो करता है Red color करता है, और ये आपका जो है देखिए आप ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है when double bond comes inside here, अगर ये डबल बॉन्ड इनसाइड की तरफ आ जाए जैसे ये नाइट्रोजन देखिए आप मैं बताता हूँ अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है

बेसिक सोल्यूशन में ये कैसा करता है येलो कलर जनरेट करता है ओके सो दीज आर द चॉइस ऑफ इंडिकेटर क्या होता है लास्ट पॉइंट है चॉइस ऑफ इंडिकेटर दे आर सम सर्टेन पॉइंट्स विच शुड बी कंसीडर एट द टाइम टू चूज अ अबल इंडिकेटर फॉर्म एंड एसिडिक बेस रिएक्शंस

फोर्थ पॉइंट इज दिस ऑफ द कलर ऑफ इंडिकेटर शुड बी सार्प एंड इजली कंपेरेबल वो सार्प होना चाहिए इंडिकेटर का कलर जो चेंज करता है कलर और कंपेरेबल होना चाहिए ऐसा नहीं कि एक रेड दे रहा है तो दूसरा जो है स्लाइटली रेड जनरेट कर रहा है दूसरे में जस्ट कंपेरेबल वन इज गिविंग येलो कलर देन अदर फॉर्म इज गिविंग इन रेड कलर वन इज कलर अदर इज अ पिंक इज और रेड कलर सो इट इज कम्पेरेबल होना चाहिए फिफ्थ पॉइंट इंडिकेटर शुड बी स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग द स्टोरेज ओके सो स्टेबल होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे ठीक है स्टोर करने के टाइम ड्यूरेशन में सो दीज आर द चॉइस एक्चुअली द सम पॉइंट्स विच वी वी विल कैन एक्चुअली प्रिफर्ड इन चॉइस द इंडिकेटर थैंक्स थैंक्स टू ऑल